हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ममता के गढ़ में गजे गजेंद्र बोले, बंगाल में जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। जोधपुर के बाद कोलकाता में केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को शेखावत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता के एंटोली में जमकर गरजे। शेखावत ने कहा कि ममता दीदी से बंगाल की जनता नाराज है, अब लोग खुलकर इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। भाजपा जोधपुर मीडिया विभाग के अचल सिंह मेड़तिया ने बताया कि ममता के गढ़ में पहली बार किसी विपक्षी नेता के रोड शो में 4 से 5 हजार की भीड़ उमड़ी। शेखावत ने कहा कि ममता दीदी केंद्र योजनाओं से गरीब जनता को वंचित रख रही है। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो स्वास्थ्य मंत्री भी है, लेकिन पहली बार ऐसा स्वास्थ्य मंत्री देखा है जिसने गरीबों के स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ किया है। आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में लागू ना करके उन्होंने बता दिया है कि उन्हें बंगाल के मनुष्य की कोई चिंता नहीं है। आज बंगाल स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा में पिछड़ चुका है। किसानों के मुद्दे पर शेखावत ने कहा कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई बहनों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है। केंद्र मंत्री ने कहा कि माँ माटी मनुष्य की बात कहकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, लेकिन वो इन्हें भूल चुकी है। राज्य में अपराध चरम पर है, लेकिन सरकार केवल आंकड़े छुपाने में लगी है। ममता दीदी ने 2019 के अपराधों के आंकड़े एनसीआरबी को नहीं भेजे हैं। सच्चाई ये है कि महिला सुरक्षा में पश्चिम बंगाल सबसे पीछे खड़ा है, लेकिन दीदी मौन है। शेखावत ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश का हर कोना, हर विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचारियों को ममता दीदी का सीधा समर्थन है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।